उसमें काफ़ी कुछ बातें ऐसी आई जो बहुत ही सीरियस नेचर की है। उनके वकील आज जो बेल एप्लीकेशन फाइल करके आगे बढ़ने वाले थे वो आज आए ही नहीं। काफ़ी कुछ तथ्य सामने आए हैं जो कि इतने सीरियस हैं कि बेल होने का सवाल ही नहीं। कहीं कानून आवाज़ नहीं सुनता है तो डेफिनेटली मीडिया उनके सपोर्ट में आती है। हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता होता है। मैं सरोगी साहब की बहुत बहुत ही आभारी हूँ कि वो आज आए, मेरा केस लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे जरूर न्याय मिलेगा। आदिल इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और इसी बीच राखी के वकील का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हम मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आदिल को जमानत नहीं मिल पाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या कुछ कहा राखी के लॉयर ने, आप भी सुनिए। बाद में जो पुलिस ने तत्परता से अपना इन्वेस्टिगेशन किया उसमें काफ़ी कुछ बातें ऐसी आई जो बहुत ही सीरियस नेचर की है, आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो, परंतु उन बातों को लेके आज जो है प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन की कि हमें फिर से पुलिस कस्टडी दी जाए। हमने उनका सपोर्ट किया है और कंप्लेन जो एक्यूज है उनके वकील आज जो बेल एप्लीकेशन फाइल करके आगे बढ़ने वाले थे वो आज आए ही नहीं है। जब वो नहीं आए तो कोर्ट ने जो है मैटर सोमवार को रखा है और सोमवार को इस पर बहस होगी कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको वापस जो है पुलिस कस्टडी देनी चाहिए और साथ साथ में उनकी बेल जो है वो खारिज करनी चाहिए। देखिए आज कोर्ट वैकेंट है, हो सकता है कल हो, मगर हमने मंडे की डेट ली है और मंडे हम लोग इसको आर्ग्यू करेंगे। 100% मजबूत है, काफ़ी कुछ तथ्य सामने आए हैं जो कि इतने सीरियस हैं कि बेल होने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, तरीका कोई गलत नहीं होता, अगर कहीं कानून आवाज़ नहीं सुनता है तो डेफिनेटली मीडिया उनके सपोर्ट में आती है, तो तरीका तो गलत नहीं है, मगर इतना मटेरियल है इनके पास कि जो ये बताता है कि खाली 498 या 377 नहीं है, परंतु और भी कई धाराएं जो है इसमें सीरियस नेचर की लग सकती है। और वो सारे सर, राखी ने कहा है कि आदिल ने उनके साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो राखी ने आप लोगों के सामने ऐसा कौन सा प्रूफ रखा है? देखिए, हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ताला चाबी नहीं होती है, तो अगर राखी जी का कोई सामान अंदर रखा हुआ है, वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं, और हस्बैंड अगर उससे चोरी कर लेता है तो वो चोरी नहीं होते से वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, और वही काम जो है उन्होंने किया है वो भी हम आर्ग्यू करेंगे। जो काफ़ी चीज़ें जो है, एक हस्बैंड एजेंट होता है, दोनों एक दूसरे के एजेंट होते हैं, अगर एजेंट ऐसा काम करता है तो डेफिनेटली एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। मतलब इस पूरे केस को रिकंसिडर किया जाएगा? हाँ जी, हम लोग पूरा इसको जो है शुरू से आर्ग्यू करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि कितना सीरियस है ये मैटर, और उस हिसाब से जो है आगे के ऑर्डर के लिए हम लोग कोर्ट से प्रार्थना करेंगे। मैं सरोगी साहब की बहुत बहुत ही आभारी हूँ कि वो आज आए, मेरा केस लड़ रहे हैं। फाल्गुनी जी और पीपीए जी और हमारी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मेरी ओशिवारा पुलिस, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, और मुझे विश्वास है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने सबूत इकट्ठा सब कुछ करके मैंने दिए हैं। मेरा मेडिकल भी हुआ है, मैं जज साहब के सामने भी आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है के मुझे जरूर न्याय मिलेगा। थैंक यू। मैं जैसे कि वाहिद भाई का भी कहना चाहूंगा, आपने कहा है कि आदिल ने आप पर हाथ भी उठाया है, तो कोई ऐसे निशान भी है जो आप हमारे सामने? वो पुलिस में दिए हैं, पुलिस में दिए हैं, वो सब कुछ मैंने दिया है, वो मेरा पार्ट ऑफ जो भी है इन्वेस्टिगेशन, और मेडिकल भी हुआ है, तो आप देख लीजिए। ये हमारे पीपी साहब हैं, हमारे पीपी साहब। देखिए, अभी बहुत सी चीजें हैं इस केस में, जो कल का पोजीशन था नेचुरली आज का पोजीशन इस केस में थोड़ा सा और बढ़कर है, इनके साइड में है, क्योंकि बोर्ड से अभी भी हम लोग जो है जो भी एविडेंस कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग हैं। इनसे अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, तो कुछ नए नए एविडेंस आगे आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोई ऐसा ठोकताल वाला कोई बात नहीं होगी। जितने एविडेंस पुख्ता होंगे उतने ही जोरों शोरों से हम कोर्ट के सामने आरोपी के इंट्रोगेशन की बात हो या फिर उसके एविडेंस कलेक्शन की बात हो या उसके जितना भी हमको एक
प्रॉपर एक पुलिस चैनल जो होता है एविडेंस जुटाने का, जो एक मशीनरी जो काम करती है, उस मशीनरी पे हम पुख्ता तौर से लगे हुए हैं। हम सबकी जो भी कॉपरेट ये कर रहे हैं, हम भी इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। जो भी एविडेंस है, जिस प्रोसीजर से लिए जाते हैं, लेने चाहिए, हम उसमें जुड़े हुए हैं। अब ये काफ़ी प्री मैचर होगा कि आप किसी एविडेंस के बारे में हम यहाँ पे बताएं, क्योंकि मैटर सब जुड़ाइस है और बहुत से एविडेंस ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी आपके सामने आए। एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ वो जब भी आएंगे वो नेचुरली आपके पास बात पहुँची जाएगी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।